Dika channel again. Now we are reading Kids News. Kids News. The first news is from sports. दीपिका कुमारी इंडिया की स्टार आर्चर दीपिका कुमारी वर्ल्ड की नंबर वन पोजीशन पे आ गई है। हाँ, उन्हें पेरिस में हुए वर्ल्ड कप स्टेज 3 में 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं और इस तरह वो 3 गोल्ड मेडल मिलने के बाद नंबर वन पोजीशन पे आ चुकी हैं। उन्हें पहले 2012 में भी आर्चरी में नंबर वन पोजीशन मिली थी। दीपिका कुमारी से पहले नंबर वन पोजीशन पे कौन था पता है आपको? नहीं ना, दीपिका कुमारी से पहले डोला बैनर्जी आर्चरी में नंबर वन पोजीशन पे थी। अब दीपिका कुमारी इंडिया की ओर से ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग ले रही है। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन फ्रॉम स्पोर्ट्स। अभिमन्यु मिश्रा जिनकी एज 12 इयर्स 4 मंथ्स और 25 डेज है वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले ये खिताब रसिया के सर्गी कार्जाकिन के पास था जो 12 इयर्स 7 मंथ्स में ग्रैंड मास्टर बने थे। अभिमन्यु मिश्रा अपने पेरेंट्स के साथ यूएसए में रहते हैं। उन्होंने 2.5 इयर्स के एज से ही चेस खेलना शुरू कर दिया था। 9 इयर्स के एज में उन्हें यूएस के यंगेस्ट नेशनल मास्टर का खिताब मिला था और 10 इयर्स के एज में वे यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे। अब ग्रैंड मास्टर क्या होता है नहीं पता? ग्रैंड मास्टर एक टाइटल है जो चेस प्लेयर को दिया जाता है। ये टाइटल वर्ल्ड चेस फेडरेशन की ओर से अच्छे चेस प्लेयर करने वाले को मिलता है। हिंदी फिल्म जगत के सुपरस्टार दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वे 98 इयर्स ओल्ड के थे। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। उनका फिल्मी करियर लगभग 50 इयर्स तक चला और उन्होंने 60 प्लस से भी अधिक मूवीज में काम किया। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और उनका जन्म December 11, 1922 को पाकिस्तान के पेशावर सिटी में हुआ। हाँ, 1922 पेशावर सिटी में हुआ था। उनकी कुछ मशहूर फिल्मों का नाम है मुगले आजम, देवदास, नया दौर, राम और श्याम और मधुमती। उन्हें 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और 2006 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वर्ल्ड के 2 बिलियनर में फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट बनने का रेस लगा हुआ है। ये 2 बिलियनर है जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के ओनर हैं और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के माध्यम से 20th जुलाई को स्पेस में ट्रैवल करेंगे और इस स्पेस टूरिज्म में उनके ब्रदर और 2 अन्य लोग भी साथ होंगे। पर हाल ही में वर्जिन एयरलाइंस के ओनर रिचर्ड ब्रांसन ने भी अनाउंस किया कि वो अपनी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से स्पेस में ट्रैवल करेंगे और वो भी 11 जुलाई को, यानी जेफ बेजोस से 9 डेज पहले। ये दोनों बिलियनर स्पेस टूरिज्म में अपनी शुरुआत करने की तैयारी में हैं। बिग जेफ जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट हॉर्स था वो मर चुका है। बिग जेफ का जन्म 2001 में यूएस में हुआ था और जन्म के समय उसका वेट लगभग 110 केजी था। 2010 में बिग जेफ वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट हॉर्स बन गया और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। बिग जेफ की मृत्यु तक ये रिकॉर्ड उसी के पास था। बिग जेफ एक बेल्जियम ब्रीड का हॉर्स था और हाइट लगभग 6 फीट 10 इंचेस थी और उसका वेट 1133 केजी था।